चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ये कार्ड डालो, वही कार्ड डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सुरजू टेकाम ले रहा है। ये है आदिवासी नेता सरजू टेकाम, जो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भाजपा का कोई नेता इलाके में आता है तो उसे काट डालो। दरअसल मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले रविवार को नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबाकड़ चौकी के मानपुर में जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय विधायक इंद्रशाह मंडावी भी मौजूद थे। सभा में आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा नेताओं पर विवादित बयानबाजी की, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, बेटी पढ़ाओ करके, बेटी पटाओ आंदोलन चला रहे हो, नलायक साला। तो बोल रहा हूँ भागवत, मोहन भागवत का बोल रहा हूँ, तुम्हारे बजरंग बन में इतने अवकाश है तो साला बेटी बहन को इज्जत बचा के दिखा। बेटी बहन की माँ के कोख से पैदा हुआ, उस कोख को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय इनकी आस्था कहाँ मरती है। आज ऐलान करने वाला हूँ, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ये कार्ड डालो, वही कार्ड डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सरजू टेकाम ले रहा है। मंच पर सरजू टेकाम ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पटाओ योजना चला रही है। भाजपा नेता चुनाव के समय प्रचार करने आए तो काट डालो, उसकी जिम्मेदारी सरजू टेकाम ले रहा है। यही नहीं, आदिवासी नेता ने बजरंग बली को लेकर भी विवादित बयान दे डाला। सरजू टेकाम का बयान वायरल होने के बाद अब सियासी पारा बढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम तक किया, साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो सुनिए। सजायाफ्ता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त वामपंथी सरजू टेकाम ने मानपुर के बस स्टैंड चौक में सीधे साधे आदिवासी भाई बहनों के समक्ष जो भाषण दिया है, वह सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विधायक इंदर शाह मंडावी और भूपेश बघेल के संरक्षण के कारण ही दे सका है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस विधायक इंद्र शाह मंडावी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता के बयान की निंदा की। पर कुछ वो जो तथ्य गलत बोल दिए, उसके लिए मैं भी वहाँ पे मेरे भाषण में बोला कि संविधान के हिसाब से हमको चलना चाहिए। संविधान में सर्वधर्म संभाव का बोलबाला है और उसमें अधिकार है, प्रस्तावना में भी लिखा है। तो उसमें मैं बोला, मैं आखिरी में कटाक्ष किया उसमें, और सुरजू टेकाम को बीच में भी टोका, ऐसे किसी के खिलाफ मत बोलो, भले भाजपा के खिलाफ बोलो पर मारकाट वाली बात मत करो। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार से लेकर बजरंग बली के खिलाफ विवादित बयान देने वाले सरजू टेकाम पर कब तक कार्रवाई होती है। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।